गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो, वीडियो नंबर 7, बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10। अभी तक हमने 9 चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है 1-6। टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट हो चुकी है, 6 क्लास कंडक्ट हो चुकी है और 6 क्लास के अंदर वो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है और आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 10 चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और न्यूज चैनलों में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है और गवर्नमेंट को उस ईयर में क्या करना है ये बताती है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के किसी भी एरिया में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं किसी भी एरिया में या किसी भी सेक्टर्स में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की राज्यसभा हो, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा हो, किसी भी तरीके से जब भी चुनाव होते हैं, जब वो 5 साल के निर्धारित होता है तो 5 साल के लिए बजट निर्धारित किया जाता है और बजट हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन किसके कहने पर, कौन कहता है कि बजट प्रेजेंट कीजिए? प्रेसिडेंट। कौन कहता है? प्रेसिडेंट कहता है कि इस डेट को आपको बजट प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए बेटा, आज हम यही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट है क्या, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कैलकुलेशन होती है और किसके लिए बजट निर्धारित किया जाता है, कौन करता है, कौन से ईयर में किया जाता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए टॉपिक है आपका गवर्नमेंट बजट। इट इज रेफर टू एनुअल स्टेटमेंट एक साल, शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक साल के अंदर क्या काम करना है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट को क्या काम करना है और किस एरिया में, हॉस्पिटल एरिया में, मतलब स्वास्थ्य विभाग में कितनी सुविधाएं देनी है, गवर्नमेंट के अलग विभाग में कितनी सुविधाएं देनी है, इसके जो आपका रेल विभाग है उसको कितना एरिया देना है, कितना सर्कस देना है, कौन सी न्यू ट्रेन होगी, ये सारा बजट, हर ट्रेन की टिकट क्या होगी, किस एरिया में कितना बजट दिया जाएगा, इसके बाद आपका किसी भी एरिया में देखो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, या प्रोडक्शन के क्षेत्र में देख लीजिए, या कंपनी के क्षेत्र में देख लीजिए, किस एरिया में कितना बजट, शेयर मार्केट में देख लीजिए, हर चीज में आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान में देख लीजिए, हर सेक्टर्स में बजट निर्धारित किया जाता है एक साल के लिए, क्लियर। और आप देखिए उसमें क्या होता है, इट इज रेफर टू एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट होता है, शोइंग द एनुअल स्टेटमेंट शोइंग करता है, मतलब दिखाया जाता है एनुअल स्टेटमेंट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी आपको आएगा और वो खर्चा किया जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट का मतलब रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, मतलब जो तो आप प्राप्त करोगे वो और जो आप खर्चा करोगे वो सारा उस बजट में दिखाया जाता है। आप एक साल के अंदर कितना खर्चा करोगे देश के अंदर, ये सारा बजट में दिखाया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है एक साल के लिए, 5 साल के लिए अलग बजट होता है, 5 ईयर के लिए अलग बजट होता है और 1 ईयर के लिए अलग बजट गवर्नमेंट निर्धारित करती है। लेकिन उनकी डेट भी फिक्स होती है, कौन से ईयर के अंदर कितनी डेट से कितनी डेट तक आप बजट निर्धारित कर सकते हैं, ये सारा कुछ निर्धारण किया जाता है। तो देखिए फिक्सल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, आपने देखा होगा कई बार मैंने 9 चैप्टर में फिक्सल ईयर का नाम लिया, कई बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि फिक्सल ईयर क्या होता है। फिक्सल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो भी आपका ड्यूरिंग टाइम होता है, ये आपका क्या होता है, फिक्सल ईयर, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फिक्सल ईयर को आप फाइनेंशियल ईयर भी
बोल सकते हैं। क्लियर? इस यहां से लेकर यहां तक 1 अप्रैल से 31 मार्च में क्या काम होंगे, कितना खर्चा होगा, कितनी पेमेंट होगी, कितना रिसीव होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सारा गवर्नमेंट बजट निर्धारित करती है। गवर्नमेंट बजट क्या है? अब देखिए कुछ पॉइंट है, कौन गवर्नमेंट बजट निर्धारित करता है, कितने टाइम के लिए करता है, कौन कहता है, पार्लियामेंट में कौन इसको प्रेजेंट करता है, ये सारे अगर बताऊंगा पॉइंट है। बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या कहा जाता है, यूनियन बजट। क्या कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को? क्या कहा जाता है बेटा? यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट निर्धारित करती है, मतलब प्रेजेंट करती है, उस बजट को क्या कहा जाता है? यूनियन बजट। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये और ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, या ध्यान रखिए दोनों क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया जाता है, फिक्सर ईयर की डेट, फिक्सर ईयर किसे कहा जाता है, कौन से ड्यूरिंग द टाइम होता है, और बजट सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट निर्धारित करती है उसको क्या बोला जाता है? यूनियन बजट। क्या बोला जाता है बेटा? यूनियन बजट। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड, इंडिया का जो बजट प्रेजेंट होता है इन पार्लियामेंट में, किसमें होता है? पार्लियामेंट में। ऑन द सच फेस प्रेजेंट विद डायरेक्ट, सॉरी ऑन सच फेस प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, और पार्लियामेंट में तो निर्धारित होता है, प्रेजेंट होता है, और कौन डायरेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। कौन कहता है कि आप बजट लेके आइए सेंट्रल गवर्नमेंट से? कौन कहता है कि? प्रेसिडेंट कहता है कि आप इस डेट को बजट लेके आइए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है। कौन कहेगा? प्रेसिडेंट। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बाय द कन्वेंशन इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। कई बार क्या होता है कि कई बार तो डेट फिक्स होती है, कई बार तो बजट की डेट प्रेसिडेंट ने फिक्स कर दी, आपको इस डेट पे आपको पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको बजट प्रेजेंट करना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपको डेट निर्धारित नहीं की जाती तो आपको कब बजट करना है? कन्वेंशन इज प्रेजेंट ऑन दी लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। लास्ट वर्किंग डे मतलब आपका 26 डे 27 डे 28 डे 25 डे, ये लास्ट वर्किंग डे जो भी होते हैं आप फरवरी में आप प्रेजेंट कर सकते हैं उनको, आप बजट जब आपको डेट निर्धारित नहीं की जाती तो आप कर सकते हैं। क्लियर? एक बात और कि जब आप बजट निर्धारित करते हैं, जो भी बजट बनाते हैं जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता पार्लियामेंट में तब तक उनका किसी भी से, हर आदमी से, हर अपनी फैमिली से कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन का मतलब कोई फोन कॉल नहीं, कोई मिलना नहीं, कोई बातें नहीं, जहां बजट बनाया जाता है वहीं उनको रहना पड़ता है। जब तक, कब तक? जब तक पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट नहीं होता तब तक, चाहे वो 5 डेज के अंदर हो, चाहे वो 10 डेज के अंदर हो, या 20 डेज के अंदर, जब से बजट बना है और जब से प्रेजेंट होना है, जिस दिन से बजट बना और जिस दिन प्रेजेंट होना है तब तक आपको उसी एरिया में रहना पड़ेगा जहां आपको बजट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इससे नुकसान भी है। यदि बजट वाला जो बनाता है वो किसी कैंडिडेट से बोल देता है कि टैक्स बढ़ रहा है इस एरिया में, टैक्स बढ़ रहा है इस प्रोडक्ट में, टैक्स बढ़ रहा है, तो वो स्टॉप कर लेगा प्रॉफिट के लिए। तो जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होता पार्लियामेंट में तब तक जो बजट बनाते हैं, जो भी अधिकारी, जिसने भी आपका बजट बनाया है, जो भी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर के आदमी, जितने भी अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जो भी उसमें लीगल तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो उसमें सहायता हेल्प करते हैं, वो सारे अधिकारी एक जगह उनको रहना पड़ता है, और कोई भी फोन कॉल पे नहीं, और कोई भी फैमिली से मिलना नहीं मिल सकता, और किसी भी अदर विभाग से आप नहीं मिल सकते। ये रूल होता है, यदि ये रूल नहीं हो तो नुकसान बहुत हो जाता है, इसी वजह से इनका कनेक्शन काट दिया जाता है। तो देखिए बेटा आगे नेक्स्ट है,
the receipt and payment showing in the budget are not actual figure on they are estimate value. The receipt or payment showing the budget are the not actual figure. ये actual figure नहीं है. जो budget में receipt और payment show किया जाता है वो actual figure नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि actual figure ये तो आपको एक planning दी जाती है. एक प्लानिंग की जाती है कि हम इस सेक्टर्स में रोजगार में इतना सेक्टर्स में इतनी भर्तियां निकालेंगे. उसके बाद आपका प्रोडक्शन क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, जितना भी आपका विभाग होता है, जो भी गवर्नमेंट के अदर सेक्टर्स होते हैं उन विभागों में क्या क्या करेंगे, कितना कितना बजट, ये सिर्फ प्लानिंग होती है. ये एक्चुअल फिगर नहीं होता. एक्चुअल फिगर तो वो होता है जो उस साल के अंदर, उस फिक्सल ईयर के अंदर, दे आर वी एस्टिमेट वैल्यू द कमिंग फिक्सल ईयर. उस ईयर के अंदर आपने कितना खर्चा किया है, जिस बजट को आप लेकर आए उतना किया है या नहीं किया, वो होती है एक्चुअल वैल्यू इन फिक्सल ईयर. जो आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने खर्चा किया है 1 अप्रैल 2031 मार्च. एनी डाउट? क्लियर? अगेन रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा बजट होता है वो एनुअल स्टेटमेंट लेकर आता है. सोइंग एनुअल स्टेटमेंट को शो करना पड़ता है. रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आप खर्चा करते हैं और प्राप्त करते हैं वो सारा कुछ उसमें दिखाना पड़ता है इन द फिक्सल ईयर. और एक साल के अंदर जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उस अंदर उसके अकॉर्डिंग. फिक्सल ईयर किसको बोलते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो ड्यूरिंग द टाइम होता है वो फिक्सल ईयर का होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं. क्लियर बेटा? इसके बाद देखिए बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो बजट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसको क्या बोलते हैं? यूनियन बजट. क्या बोला जाता है? यूनियन बजट. इन इंडिया बजट ऑफ द प्रेजेंटेड ऑफ द पार्लियामेंट. इंडिया का जहां बजट प्रेजेंट होता है उस एरिया का क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट. ऑन सच डे प्रेजेंट में डायरेक्ट और प्रेसिडेंट. ऑन सच डे प्रेसिडेंट में डायरेक्ट और प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको डायरेक्ट करता है. ओके, बाय द कन्वेंशन द प्रेजेंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे. यदि आपका बजट प्रेसिडेंट ने जो कहा उससे उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ या डेट फिक्स नहीं करी, तो आप बजट को निर्धारण करने की डेट भी होती है, आप फरवरी के लास्ट वीक तक आप कर सकते हैं. ओके, the receipt and payment showing the budget are not actual figure. जो बजट में दिखाया जाता है वो एक्चुअल फिगर नहीं है. ये तो आपको सबको पता है, प्लानिंग की जाती है. एक्चुअल फिगर तो जो एस्टिमेट वैल्यू, जो कमिंग द फिक्सल ईयर, जो उस ईयर के अंदर काम किया जाता है वो सारी एक्चुअल वैल्यू होती है. क्लियर बेटा? याद रखा स्क्रीन छोड़ दे लीजिए बेटा. ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा. और बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, कोई राइटिंग समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 में कर सकूं. क्योंकि आपको पता है वीडियो नंबर 1 to 6 चैप्टर नंबर 9 की है, 7th से वीडियो नंबर जो क्लास कनेक्ट हुई है वीडियो नंबर 7 से कनेक्ट हुई है चैप्टर नंबर 10 की. ठीक है बेटा? और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, और यदि कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके सेम टाइम पे होंगे. ठीक है बेटा? और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए. और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.